हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, ये मेरा कॉलेज है और ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो उम्मीद करूँगा आप लोग को पसंद आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कॉलेज अंदर से कैसे दिखता है। गाइस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस का कॉलेज है। यहाँ पे फार्मेसी की क्लासेस होती है। एक्चुअली गाइस, ये संदीप यूनिवर्सिटी 250 प्लस एकर्स में बना है, तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा। और ये जो सामने आपको कॉलेज दिख रहा है वो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग का है। एक्चुअली मेरा कॉलेज वही है, मेरे क्लासेस वहीं पर होते हैं। यहाँ पे आप लायन का स्टैचू देख सकते हैं। हमारे कॉलेज का लोगो भी ये लायन ही है, इसलिए उसका स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। एक्चुअली आज सैटरडे है गाइस, तो हम लोग का ऑफिशियली हॉलीडे रहता है सैटरडे और संडे, इसके लिए आज आपको बच्चे कम दिखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हॉलीडे रहता है, फैकल्टीज़ के लिए एज यूजुअल मंडे टू सैटरडे 10 to 5 PM उनका वर्किंग आवर्स रहता है। तो ये हमारे कॉलेज के बाहर छोटा सा गार्डन है। यहाँ पे आपको गाइस बहुत सारे स्टेचूज देखने को मिलेंगे संदीप यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैटरपिलर का स्टेचू बनाया गया है, और उसके जस्ट सामने ये पार्किंग है। फैकल्टी अपने व्हीकल्स यहाँ पे पार्क करते हैं। एक्चुअली गाइस, संदीप यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी कम लगता है, ये हिल प्लेस ज़्यादा लगता है, हिल स्टेशन ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मौसम बारिश में काफ़ी अच्छा लगता है। आप कभी यहाँ पे आएंगे ना बारिश में नासिक, तो संदीप यूनिवर्सिटी ज़रूर विज़िट करो। बहुत सुकून, बहुत शांत माहौल यहाँ पे रहता है। गाइस, ये हमारे फैकल्टीज की कार्स खड़े इधर। बाकी नासिक सिटी आपको यहाँ से ऐसे दिखता है, देख सकते हो आप। नासिक सिटी से ये अराउंड 10 to 12 किलोमीटर दूर है। तो गाइस, ये मैं आप लोग को बस एक छोटा सा टूर करा रहा हूँ संदीप यूनिवर्सिटी का। आपको जैसे मैंने बताया 250 प्लस एकर्स में है, तो एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं गाइस वो 5-10 मिनट के वीडियो में पूरा कॉलेज को कवर करना। यहाँ पे आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा माहौल दिखता है गाइस यहाँ से। बहुत सुकून की जगह है। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है फुटपाथ का। यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे रोज़ काम चलते रहते हैं। आप कहीं भी चले जाओ आपको काम होते हुए दिख ही जाएगा, कुछ ना कुछ वर्कर्स काम कर ही रहे होंगे। एक्चुअली ये जो सामने हॉस्टल दिख रहा है आपको, ये गर्ल्स हॉस्टल है। आज मैं दूसरी साइड से चले आया गर्ल्स हॉस्टल साइड से। एक्चुअली यहाँ से आना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ गया, देखते हैं आगे कुछ हो ना। बस ये हमारे कॉलेज जाने का एक अलग रास्ता है,
यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं एक जगह जाने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे पहली बार जब यहाँ पे आप विजिट करोगे तो। आप यहाँ से देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। हम लोग रात को यहाँ से नहीं आ जा सकते गाइस, क्योंकि यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स निकलते, लेपर्ड वगैरह, तो हम लोग को आना इधर से मना रहता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कटीले वायर लगा के रखे कि कोई दिक्कत ना हो, कोई जानवर आए तो इंसान बच सके। गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये मेरा पहला ब्लॉग है, सो थैंक यू गाइस।